दोस्तों नमस्कार, हम आज अपने गांव खट्टा प्रहलादपुर में हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां हम क्रेशर पे आए हुए हैं और ये गन्ना है। हम आपको दिखाते हैं कि हमारे गांव में गुड़ किस तरह से बनाया जाता है। ये एक घंटे में कितने गन्ने लगा देते हो आप? चौबीस घंटे में कितना गन्ना लगा देते हो? 150 क्विंटल। एक क्रेशर में कि दोनों में? दोनों क्रेशर में 150 क्विंटल। 24 घंटे अगर चलेगा तो 150 क्विंटल आप गन्ने की पराई कर देते हो। और जो ये मोटर चल रही है बिजली की, इससे शाफ्ट गई हुई है। इस शाफ्ट पे दोनों क्रेशर चल रहे हैं। जो वहाँ से क्रेशर से रस आ रहा है वो सामने गिर रहा है, वो गिर रहा है सामने। एक क्रेशर का रस ये सामने गिर रहा है, एक क्रेशर का रस ये सामने गिर रहा है। ये गन्ने का रस जो है सर्दियों में एक अमृत के समान है। इसको पीने से पीलिया वगैरह की कोई बीमारी नहीं होती है और पेट भी साफ रहता है। ये रस का स्टोरेज है। अब हम यहाँ पर आए हैं जहाँ पर गुड़ बनाया जा रहा है। ये रस का पाइप है। इस पाइप से रस पहले इस कढ़ाव में आता है, कढ़ाव में थोड़ा इस कढ़ाव से उस कढ़ाव में रस को आगे सप्लाई करते हुए ऐसे ही वन बाय वन करके पहले इस कढ़ाव में रस आएगा, इस वाले कढ़ाव में थोड़ा पकेगा, उसके बाद में थोड़ा इसकी मैली निकाल देंगे, फिर इस कढ़ाव में रस आएगा, इसमें थोड़ा पकेगा, इसमें मैली निकलेगी, सुकलाई डालेंगे तो मैली निकल जाएगी, उसके बाद रस को गर्म को इसको इधर सप्लाई करेंगे, इसमें जब रस आ जाएगा गर्म हो जाएगा पीलेपन पे आ जाएगा, उसके बाद फाइनल वाले कढ़ाव में डाल के इसको पकाते हैं। ये इसमें सुकलाई डालते हैं, सुकलाई डालते हैं, बोलते हैं कि सुकलाई डालने से ना जब थोड़ा रस गर्म होता है सुकलाई डालते हैं तो इसकी जो मैल ऊपर होता है काला काला जो मैल देख रहे हैं आप, ये काला काला जो है ये, इस मैल को ये छलने से उतार देते हैं। ये छलनी रखी हुई है, छलने से उतार देते हैं इसको। धीरे धीरे इसकी इसका कलर साफ होता जाएगा, इसका मैल मिट्टी अंदर से निकलता जाएगा और साफ होता जाएगा। ये चाशनी तैयार हो गई है? हैं? अच्छा अच्छा, इसमें अभी क्या डाल लेते? आप कलर डाल लेते? कलर किस लिए डालते हो? सफाई के लिए। सफाई के लिए। अच्छा, इसमें आप गोटा लगाओगे? कढ़ाव में चाशनी पूरी होने के बाद में, पूरा उसमें खद्दे लगने के बाद में जब पूरी पक गई है तो उसको इससे निकाला जा रहा है करछुल से, ये कारीगर निकालते हुए, और इसको धीरे धीरे पगडंडी के रास्ते चाक में डालते हुए ठंडा होने के लिए, सामने चाक दिख रहा है, इसमें सब फैला दिया। इसका टेम्परेचर अगर हम बात करें तो करीब 150 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होगा, तो ये अब थोड़ी देर में ठंडा होगा। ठंडा होने के बाद में इसके पीस बनाए जाएंगे। ये उस कढ़ाव से यहाँ निकाला गया है चाशनी, इस चाक में रखी हुई है, ये ठंडा हो गया है थोड़ा सा, अब इसके छोटे छोटे पीस बना के रखे जा रहे हैं। ये पहले से जो बना हुआ गुड़ ये रखा हुआ है, इसको फिर डब्बे में पैक करके बाहर भेजा जाता है। कितने किलो की पैकिंग करते हो आप गुड़ की? 10 किलो की। तो एक चाशनी में कितना गुड़ बन जाता होगा? 40 किलो, 40-45 किलो बन जाता है। तो गुड़ कहाँ भेजते हो आप बना के? ये राजस्थान है जी। जोर से इधर देखो, कैमरे में बोलो। राजस्थान। राजस्थान में? अच्छा, राजस्थान में जाता है, टेम्पू में जाता है? टेम्पू। अच्छा अच्छा, टेम्पू में आता है।
तो ये गरम गरम गुड़ बन रहा है। मेरा तो मन करता है कि इसको गरम गरम को मैं खा के भी टेस्ट करके देखूं। बिल्कुल खाएंगे। तो सर्दी सर्दी का सीजन चलता गन्ने का, बस अभी 2 महीने और चलेगा। अच्छा अच्छा, इसमें मसाला डाला हुआ गुड़ में आपने? कलर गिरा हुआ है इसमें। कलर क्यों डालते हैं? ताकि इसका अच्छा रेट मिले। अच्छा अच्छा, जलेबी का कलर डाला हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। ये गत्ते की पैकिंग रखी हुई है यहाँ पर, और ये पैक करके इसको गुड़ डालेंगे पैक करके। ये सारा स्टॉक रखा हुआ है, ये सब जाएगा यहाँ से पैक होके राजस्थान हरियाणा बाहर के स्टेट में जाता है, और क्योंकि उस साइड में गन्ना वगैरह नहीं होता है, तो इसको लोग खाना खाने के बाद बहुत लोग पसंद करते हैं इस गुड़ को। गन्ने का रस निकलने के बाद में जो खोई बचती है वो ये खोई सुखा रहे हैं, और इसको पलटते रहते हैं साथ साथ ताकि सूखते रहे। सामने जो है वो पहाड़ दिख रहा है, पूरा स्टोक करके रखा हुआ खोई का। ये खोई गन्ने के रस को गर्म करने के काम आती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको गर्म कैसे करते हैं, इसमें कैसे खोई डालते हैं। ये यहाँ पर जो है ये गर्म खोई को अंदर डाला जा रहा है, और आगे जो कढ़ाव है उनमें जो रस पक रहा है, गुड़ बन रहा है, उसमें ये डाल के गर्म करते रहते हैं। एक बार हाथ डाला भाई साहब, वो सामने देखा अंदर आग जल रही है। ये अंदर आग जलती रहेगी, 4 कढ़ाव ऊपर रखे हुए हैं, वो चारों कढ़ाव को सेक मिलती रहेगी, चारों कढ़ाव का रस पकता रहेगा 1x1 करके। तो ये खाली और भी कुछ डालते हो इसमें? नहीं जी, खाली खोई खोई डालते हो। तो कितनी खोई लग जाती होगी एक कढ़ाव को पकाने के लिए? भैया समझिएगा 3-4 गठड़ी। 4 गठड़ी अगर खोई हम डालेंगे तो एक कढ़ाव का रस पक के गुड़ बन। बोलते हैं ये क्या चीज है, मैली है? गन्ने की सफाई होके तो मैली उतरती है। गन्ने की सफाई जो होती है उसकी जो मैली उतरती है, ये बोलते हैं कि ये पशुओं के लिए काम आती है। जो दूध देने वाले पशु हैं वो उसको उनके खल चोकरे मिला के डाला जाता है। अब ये ड्रम खाली दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये मैली भी काम आती है। अच्छा, एक बार हमारे दर्शकों को बताना कि गुड़ खाने के फायदे ज्यादा हैं कि चीनी खाने के फायदे ज्यादा हैं? गुड़ खाने के शुगर फ्री होता है। वो क्या शुगर फ्री होता है? शुगर फ्री होता है। शुगर फ्री होता है गुड़? तो इसमें अगर किसी को शुगर है तो गुड़ खाए को दिक्कत नहीं आएगी? और चीनी जो खाते हैं उसमें बीमारी करता है? और क्या फायदा करता है गुड़ भाई जी? गड़ा वड़ा में गर्दा वर्दा बैठता ना गड़े में? हाँ, गर्दा भूड़ मिट्टी। हाँ, और हाजमा भी करता है, बताते हैं। हाँ, हाजमा भी करता है। हाँ, इसका नुकसान नहीं होता है? नहीं, ताकत होती है गुड़ में? ताकत होगी गुड़ में, चीनी में ताकत नहीं होती? चीनी में नहीं, गुड़ में ताकत होती। तो अच्छा, तो मतलब कहने का है कि अगर मीठा खाना है तो चीनी की मिठाई ना खा के हम गुड़ खा सकते हैं, किसी भी सीजन में खा सकते हैं। शुगर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हाजमा भी आपका ठीक होगा, गले में खराश है वो भी खत्म होगी, और अगर शरीर में थोड़ा ठंडा तासीर है तो गुड़ खाने से तासीर भी गर्म हो जाता है, गर्म बन जाएगा। तो कब तक चलेगा ये आपका सीजन? 2 महीने और चलेगा। तो जो आपकी वीडियो देखेंगे उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? अरे हम क्या कहना चाहेंगे, नहीं आप क्या बताना चाहोगे अपने? ये हमारे साथ में है राजू सिंह जी, जो इस क्रेशर के ओनर हैं। मैं इनसे थोड़ा सा पूछना चाहूंगा कि आपने क्रेशर कब लगाया है? ये पिताजी ने लगाया था जी 1979 में। 1979 से? हाँ जी। तो आप तब से गुड़ का काम कर रहे हो? हाँ पिताजी करते हैं, मैं तो सिर्फ 2012 से ऐड हुआ हूँ। 2012 से आप ऐड हुए हो? तो दोनों क्रेशर आपके हैं ये? हाँ जी। तो दोनों क्रेशर चलते हैं, तो आप उसका गुड़ बना के कहाँ सप्लाई करते हैं गुड़? ये राजस्थान भी जाता है, दिल्ली पंजाब हरियाणा। दिल्ली पंजाब हरियाणा राजस्थान जाता है? तो मतलब ये पैक करके ले जाते हो आप सारा? हाँ जी, पैक करके गाड़ी आती है शाम को। तो आपको अगर मैं कोई बिजनेस करना चाहे इस तरह का जी, कोई आपसे सुझाव लेना चाहे, तो आप क्या बताना चाहोगे? भाई क्रेशर में हम इतनी कमाई कर सकते हैं एक सीजन में, आप जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको
क्या आप सुझाव देना चाहोगे भाई, एक सीजन में इतनी कमाई कर सकते हो आप? सीजन का हिसाब रहता है जी, 10-12 लाख रुपए बन जाते हैं हर सीजन में। 10-12 लाख रुपए हर सीजन में सब खर्चा निकाल के बन जाते हैं, मतलब गन्ने का अच्छा बिजनेस है। हाँ जी, गन्ने से रस द्वारा गुड़ बना के इसको सेल करने का अच्छा बिजनेस, कच्चे माल से पक्का माल बनाने में बन जाते हैं। कच्चे माल से पक्का माल बनाने में। और अभी कितने दिन चलेगा ये सीजन? ये चलेगा अप्रैल तक जी। अप्रैल तक चलेगा, आप समझो अभी फरवरी मार्च अप्रैल, 3 महीने और चलेगा। सितंबर से स्टार्ट होता है और अप्रैल तक। तो अभी इस बिजनेस को लगाने में खर्चा कितना आता होगा शुरुआत में? 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए एक बार में इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ जी, हाँ जी। उससे उसके बाद में आप 10-12 लाख रुपए हर सीजन में निकाल सकते हो। हाँ जी, हाँ जी। कहने का मतलब ये कि अच्छा बिजनेस है। हाँ जी, अच्छा। छोटे पूंजीपति के लिए अच्छा बिजनेस है। तो मेरे सब्सक्राइबर को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे, अगर बिजनेस करना हो तो अच्छा बिजनेस है, अगर अपन छोटी पूंजी में 10 लाख रुपए में तो ये चालू हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। और गुड़ के बारे में क्या कुछ फायदा बताओगे आप? गुड़ का फायदा ये है जी, एक तो चीनी से, चीनी में ये बोलते हैं ना कि शुगर होता है। हाँ। तो इसमें शुगर नहीं है, ये प्योर गन्ने का बना हुआ आता है। अच्छा। हाँ जी। शुगर में फायदा करता है? शुगर में फायदा करता है, वैसे हाजमे में फायदा करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाजमे में फायदा करता है। ये जो हमारा कैल्शियम होता है हड्डों का, हाँ, उसको भी बढ़ाता है। कैल्शियम जो हड्डियों का कैल्शियम होता है उसको भी बढ़ाता है। कहने का मतलब ये गुड़, कोई व्यक्ति डेली गुड़ खाता है तो उसको कैल्शियम की कमी नहीं होगी। जो व्यक्ति डेली गुड़ खाता है उसको कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। तो बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। आप तो मैं ये कहूंगा कि भाई अगर कोई मेरी इस चैनल को देख रहे हैं तो अगर आप इस बिजनेस को लगाना चाहते हैं तो आप बिजनेस को लगा सकते हैं। 8-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट वन टाइम होती है, उसके बाद में हर साल आपको 10-12 लाख रुपए आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। 10-12 लाख रुपए मिनिमम आपको सीजन में बचा के जाता है और प्रोडक्ट भी अच्छा है जिससे कई तरह की बीमारियाँ भी दूर होती हैं। तो मैं अपने अभी सभी सब्सक्राइबर से ये आशय वो आगाह करता हूं कि मेरे इस चैनल में, मेरी इस वीडियो में अगर आपको कोई कंटेंट अच्छा लगा हो या कोई त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए कमेंट लिखें और अच्छे कंटेंट के लिए मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ये आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। अच्छा, नमस्कार जी, जी।